अनवर पूर्व खिलाड़ी बनाए स्पोर्टिंग क्लब, राष्ट्रीय खिलाड़ी उत्तर प्रदेश, इस वक्त कोच ऑफ बनाए स्पोर्टिंग क्लब। आज हमारे बीच हमारे बड़े फादर मरहूम सिकंदर खान नहीं रहे, जिनकी याद मुसलसल हम लोगों के बीच रहेगी, और हमारे परिवार से हमारे बड़े फादर को देखकर, हमारे फादर के अलावा, बड़े बाप के अलावा जो हमारे फादर मोहम्मद अनवर खान, आप भी राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे जब तक चाहा, आपने भी उत्तर प्रदेश टीम से लगातार खेलते रहे, जिससे स्पोर्ट्स कोटे में आप DLW में कार्यरत थे। उसके बाद शमशाद खान साहब, इश्तियाक खान साहब, मेरे चचा, उसके बाद मैं राणा अनवर, मेरे छोटे भाई राशिद अनवर, उससे छोटे राहिल अनवर, उसके बाद मैं, उनसे छोटे हमारे चचा के बेटे शमशेर खान, ये तमाम खिलाड़ी हमारे बड़े फादर को देख के हम लोग आपसे सीख कर ही खिलाड़ी हुए हैं। और हमारे फादर मरहूम सिकंदर खान, जिनका आज तकरीबन 4:30 बजे इंतकाल हो गया, आप बनाए स्पोर्टिंग के लिए खेलें, उत्तर प्रदेश के लिए खेलें, और खेलने के बाद जब आप तकरीबन 52 साल की उम्र से ही आप जो है बनाए स्पोर्टिंग के लिए कोचिंग करने लगे, उनके अंडर में बनाए स्पोर्टिंग क्लबों ने अनेकों अनेक टूर्नामेंट जीते, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए हमारे मरहूम सिकंदर खान साहब ने तकरीबन 40-50 लड़के दिए, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे क्लब से 4-5 लड़के, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नूरालम, राष्ट्रीय खिलाड़ी शाहिद अली बेलग्रामी, शाहिद अली मोहम्मद शाहिद, शाहिद अली, रईस हसन, ऐसे तमाम अनेकों अनेक खिलाड़ी जो हमारे मरहूम सिकंदर खान साहब के सिखाए हुए थे, जो आज कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। आज हम लोग काफ़ी दुखी हैं कि आज हमारे फादर जो हैं वो इंतकाल कर गए। और कुछ आप बनारस स्पोर्टिंग की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे आप बनारस के लोगों? सारा पूरे बनारस स्पोर्टिंग के तरफ से, सारे बनारस स्पोर्टिंग के लोग, आज तकरीबन जैसे ही खबर लगी तो लोगों का आने जाने का तांता लगा हुआ था, और 4:30 बजे ही जैसे आपके इंतकाली खबर बेनियाबाग में पहुंची, स्वयं तकरीबन 70 से 75 बच्चे बेनियाबाग में प्रैक्टिस कर रहे थे, उन लोगों ने खेल बंद करके 2 मिनट खराज अकीदत पेश की, और आपके शोक में कल और परसों 2 दिन बनाए स्पोर्टिंग बेनियाबाग में कोई प्रैक्टिस नहीं होगी।